हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है वो दशाश्वमेध घाट प्रांगण में भव्य देव दीपावली महोत्सव का आयोजन जो है वो गंगा सेवा निधि द्वारा करना सुनिश्चित हुआ है, जिसकी तिथि है 27 नवंबर सोमवार को लगभग 5:15 बजे से ये जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो जाएगा। कार्यक्रम के शुरुआत में 1999 के कारगिल विजय युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि ने इसको राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा, अध्यात्म को राष्ट्रवाद से जोड़ा, और तभी से जो है यहाँ पे इंडिया गेट की जो है वो अनुकृति बनती है, जहाँ पर भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, CRPF, NDRF, CISF, RPS और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो है वो रीत चढ़ाई जाती है। इंडियन 39 GTC का जो बैंड है उस बैंड पे गॉड ऑफ ऑनर और शहीदों को अंतिम सलामी दी जाती है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे भगवती माँ गंगा का जो है वैदिक रीति से जो है वो 21 ब्राह्मणों द्वारा जो है माँ गंगा का पूजन होगा। उसके बाद 21 ब्राह्मण और 42 देव कन्याएं जो कि रिद्धि सिद्धि के रूप में रहेंगी उनके द्वारा भगवती माँ गंगा की महाआरती होगी, और उसके बाद जो है वो प्रमोद त्रिपाठी जी जो कि बम्बई के हैं, सुप्रसिद्ध गायक हैं, उनके द्वारा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नौका संचालन की बात करी जाए तो उसकी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? नौका संचालन का जो है वो पूरे रूप से सुरक्षा व्यवस्था जो सारी चीज़ें हैं वो जिला प्रशासन देखता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो जिला प्रशासन ही देख रहा है नौका संचालन का जो रहेगा। तो 70 देशों के राजदूत आ रहे हैं, थोड़ा उनको उस विषय पर बता दीजिए। जो राजदूत आ रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं गंगा सेवा निधि परिवार की ओर से कि देव दीपावली के इस महापर्व के दिन उन लोग आ रहे हैं, और अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार उन लोग का जो डेलीगेशन है वो क्रूज पे रहेगा, क्रूज से ही जो है वो 84 घाटों का नज़ारा देखेंगे, और भगवती माँ गंगा की आरती का जो 6:30 बजे भगवती माँ गंगा की आरती शुरू होगी, तो क्रूज से ही भगवती माँ गंगा की महाआरती का दिव्य दर्शन करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पे कौन है? मुख्य अतिथि के तौर पे इस बार अभी हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को हम लोग आमंत्रण भेजे हैं, और श्री जयवीर सिंह जी जो पर्यटन मंत्री हैं उनको भी हम लोग आमंत्रण भेजे हैं। उनके साथ साथ आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल्स कई लोग हैं, तो वो सारे लोग विशेष रूप से कार्यक्रम में जो है शिरकत करेंगे। श्री राम मंदिर का भी उसमें झलक देखने जी, इस बार विशेष ये रहेगा कि जो है आपका जो फूल की सजावट है उसको और भव्य रूप से जो है वो किया जा रहा है, जहाँ की क्योंकि ये एक शहीदों को समर्पित कार्यक्रम रहता है, तो यहाँ पे पूरा दशाश्वमेध घाट प्रांगण जो रहेगा वो भव्य रूप से तिरंगे के थीम पे जो है वो डिज़ाइन होगा, और बीच में जो है वो हर जगह आपको उसमें जो प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है उस प्रभु श्री राम के मंदिर की भी आप लोगों को झांकी का झलक मिलेगा यहाँ पे।